हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चंद सैनी बानसूर से बिलोंग करता हूं और आप लोगों के प्यार और सहयोग से आज मैं आपको मेरा और मेरे एक छोटे से ढाबे का आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, जो कि आप सब लोग जानते होंगे। अपने बानसूर में शंकर पवित्र भोजनालय के नाम से एक छोटा सा ढाबा है, जो पहले कभी पावर हाउस के साथ में हुआ करता था झोंपड़ी के अंदर। और आज आप सभी लोगों के प्यार और सहयोग से इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं कि हमने एक छोटा सा दूसरा नए सेटअप का एक डेवलप किया है और उसको हमने आप लोगों के जिन सारी चीज़ों को देखते हुए, जिन सारी चीज़ों की डिमांडों को देखते हुए, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की हैं, आपको आप तक देने की कोशिश की हैं, जिसमें आप एक अच्छा उच्चतम क्वालिटी का खाना, उच्चतम क्वालिटी की मिठाइयाँ या जैसे नाश्ते से संबंधित जो भी है, हम लोगों ने आपको ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए हमने उसको संचालन के रूप में चला रहे हैं। शुरुआत के दौर में बहुत सारी मुश्किलों का हमने सामना किया। यहाँ रोड के साथ में जैसे रहते थे तो लोगों का पीने खाने का भी यहाँ क्रेज़ ज़्यादा था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनसे जैसे खाने का सबसे पहले हमने यहाँ पे 10-15-20 रुपए की डाइट से स्टार्ट किया था। तब हमें लगता था कि सिर्फ हमारा एक बस खाली मेहनताना है, लोग कहते थे कि जूठे बर्तन धोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों का जो एक प्यार प्रेम था ना, उसको हमने लेते हुए और बस एक ये चाहते थे कि भाई यहाँ जो लोग हैं, जिन लोगों को बाहर से रहते हैं या बाहर से आए हुए लोग होते हैं, उनको एक अच्छा खाना नहीं मिल पाता है या अच्छी जैसे मिठाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, तो बस हम उस कार्य में एक प्रयत्नरत रहे और हम धीरे धीरे उसको हमने लोगों की बातों को सुना अनसुना किया, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे रहे। हमने जो शुरुआत की थी वो 79 से एक ढाबे से झोंपड़ी के अंदर जो हुआ करता था पावर हाउस के पास में, वहाँ से शुरुआत की थी। फिर उसके बाद में धीरे 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 आप लोगों के सहयोग और प्यार से जितनी मेहनत हम लोगों ने की, रात को 12-12 बजे तक ढाबे को चालू रखा, लेकिन ये था कि आप सभी के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हर एक वो सारी चीज़ें क्वालिटी हमने आपको प्रोवाइड करवाई है, जिससे कि कम से कम कोई ये ना कह सके कि साहब आज हमें कोई गलत चीज़ मिलती है वहाँ पे, या फिर एक कि साहब हमें वहाँ पहुँच के संतुष्टि नहीं होती। तो बस यही है कि हमारा एक प्रयास हमेशा से रहा है कि हम अच्छे से अच्छा जो हो सकता है वो करें, अच्छे से अच्छा भोजन खिला सके। उसके लिए हमारे खुद के जो मसाले वगैरह होते हैं वो भी हम, ये नहीं कि जैसे अपन कोई भी कंपनी के या लोकल अपन उनको चूज करें, वो मसाले भी हमारे खुद के होते हैं जो हम लेके आते हैं, उनको मसालों को भी हमारे यहाँ पे पीसा जाता है, उन्हीं की मसालों को काम में लिया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग आटा चाहे जैसा कि लो यार अपने को तो कस्टमर को ही तो खिलाना है, उन सबको ना लेते हुए हम लोग, हमने हमारी खुद की पर्सनल चक्की लगा के वो आटा वगैरह पीस के और वही हम लोगों को खिलाते आए हैं। दूसरा जैसे सब्जी से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम सब अपने को तो लोगों को ही तो खिलाना है, सबसे सस्ती से सस्ती सब्जी लेके चले, लेकिन हम लोगों का एक ही माध्यम रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, जिसके लिए भी हमें सुबह जैसे पापा उठ के जाते हैं 7-6 बजे मंडी जाना, उसके बाद में उनको सबकी वॉशिंग वगैरह धुलाई वगैरह होना, उसके बाद में वो सारी चीज़ें कट पिट के तैयार होकर फिर उन सारी चीज़ों को बना के और फिर मतलब आप लोगों तक उस हालात में पहुंचाते हैं जहां की मेहनत को ना, मतलब लोग तो नेगलेक्ट ही कर देते हैं, सोच भी नहीं पाते कि इतनी मेहनत भी होती होगी। मैं तो लोगों से बस यही कहूँगा, आप सभी लोगों का प्यार हमारे सर पे हमेशा बना रहा है और बने रहेगा, बस इतना सा है कि आप लोग सहयोग करो, हम वो सारी चीज़ें आपको देंगे जो जिसकी आप कल्पना करते हो या सोचते हो, उसी के लिए सारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नाम आपका सुना हुआ है शंकर पवित्र भोजनालय के नाम से, जो अपने पावर हाउस के सामने है। अभी हमने दोबारा नया सेटअप एक रेडी करके और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, जो बिल्कुल पावर हाउस के सामने है, कोटपुतली रोड पे है। और आप मेरे छोटे भाई को जानते होंगे जो अक्सर इस दुकान पे यही मेंटेन करते हैं, यही संभालते हैं, इनका नाम राजू सैनी है और ये अक्सर दुकान पे यही बैठते हैं। मैं कभी कभार बस ये है कि बस बैठ भी जाता हूँ और थोड़ा बहुत उसको संभाल भी लेता हूँ, बाकी सारा ही मैनेज ये करते हैं। बहुत अच्छे व्यवहार से भी बहुत अच्छे हैं, बोलचाल के भी बहुत अच्छे हैं और दुकान एक क्वालिटी मेंटेन करने का इनको बहुत एक अच्छा तजुर्बा है। और मैं बानसूर से जैसे कोई लोग बाहर से भी आते हैं तो उनको यहाँ बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे रात में रुकने की व्यवस्था नहीं होती, एक अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं होती। तो मैं उन लोगों से आग्रह और निवेदन करूँगा कि वो लोग एक बार बानसूर में जैसे आएँ
तो उन लोगों को अपने अकॉर्डिंग जैसे भी ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत हो, जैसे दही पराठे के टाइम पे दही पराठे की ज़रूरत हो, खाने के टाइम पे खाने की ज़रूरत हो, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि वो एक बार आएँ तो बिल्कुल विशेष वो खाना हमारा चेक करके जाएँ, और उनका बहुत ही बहुत स्वागत करूँगा मैं यहाँ पर। और मुझे खुशी होगी कि जो बाहर से लोग आते हैं और उनको ये सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मेरे यहाँ पर ज़रूर आएँ, हमारे यहाँ पहुँचें, और उन सारी चीज़ों को जो मैं आज उनके सामने रख रहा हूँ वो उन सारी चीज़ों को एक बारी चेक करके और देख के, और कम से कम मुझे इतना उत्साहित करें कि मैं और इससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकूँ और लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँ। सो मैं धन्यवाद करता हूँ जनता का।